आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने वेबसाइट यानी कि ब्लॉगर वेबसाइट पे कैसे आप सोशल मीडिया आइकॉन्स को लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अपने दूसरे वेबसाइट पे आया हूँ जहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको लगा के रखा है। तो आप इस सोशल मीडिया आइकॉन को अपने पोस्ट के अंदर भी इनबिल्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके रखा है, और आप उसको फुटर में भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने फुटर में भी लगा रखा है। तो चलिए देखते हैं कि उसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको ये कोड को अपने पोस्ट के नीचे में लगाना है या फिर पोस्ट में यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, और यानी कि ये वाला मैंने कैसे किया, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप फुटर में यानी कि ये वाला सेक्शन पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोस्ट वाले के लिए देख लेते हैं। तो पोस्ट वाले के लिए क्या करना होगा, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, उस लिंक पर आपको क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला दिख रहा होगा, हाउ टू एड सोशल मीडिया आइकॉन्स इन HTML, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं इसका लिंक डायरेक्टली आपको दे दूंगा तो आप डायरेक्टली इसी पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये सारा डिव से लेके सारा का सारा कोड को आपको कॉपी करना है। ठीक है, जितना भी रेड वाला कोड है सबको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, आपको अपने ब्लॉगर में जाना है, ब्लॉगर डैशबोर्ड में जाना है, और आपको जिस पोस्ट में इसका इस्तेमाल करना है यानी कि जिस पोस्ट में आप सोशल मीडिया आइकॉन को लगाना चाहते हैं ये वाला पोस्ट है। तो मैं इस पोस्ट को खोल लेता हूँ और यहाँ पे आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें कोई भी ऐसा सोशल मीडिया आइकॉन ऐड नहीं किया है। तो मैं इसको जस्ट सब्सक्राइब आस के नीचे लगाना चाहता हूँ, तो मैं आपको ये पोस्ट पहले वेबसाइट में खोल के दिखा देता हूँ। ये वाली पोस्ट है। ठीक है, तो मैं इस पोस्ट को खोल लेता हूँ। टाइटल देख लीजिए, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई कॉन्टेंट फ्रॉम बींग कॉपीड, यही को मैंने यहाँ पे अपने साइट पे खोल लिया है, यही वाली इमेज है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइब आस के नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैं इसके नीचे ही आपको आइकॉन्स लगा के दिखाता हूँ। तो मैंने कोड तो कॉपी किया था, बस आपको क्या करना है, HTML व्यू में जाना है, क्लिक करना है, और सबसे नीचे इसको है मेरा सब्सक्राइब बटन, तो उसके नीचे ही मुझे पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ एक एंटर दिया और यहाँ पे मैं सारे के सारे कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कंपोज व्यू में जाता हूँ और देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कंपोज व्यू में आया और आपको भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, लेकिन इस आइकॉन्स के अंदर जो लिंक होगा वो मेरे वेबसाइट का होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस साइट इस आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ से लिंक के ऑप्शन में जाके यहाँ से अपना खुद का URL दे सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज का URL है, तो यहाँ से आप अपने फेसबुक पेज का URL दे दीजिए, और बाकी सबके साथ भी यही करना है, सबका URL चेंज कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। ठीक है, अगर और आपको कोई और सोशल मीडिया आइकॉन्स चाहिए जो इसमें नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको अपडेट कर दिया है, और मैं इसको आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि कैसे ऐड हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दिया हूँ और इसके नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो स्क्रॉल करने के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया आइकॉन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब बात है कि इसी चीज़ को आप कैसे फुटर में लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें फुटर में लगाया हुआ है कॉपीराइट सेक्शन के नीचे। तो आपको क्या करना है कि वापस से आपको अपने डैशबोर्ड में जाना है, इधर लेआउट में आना है, आपको यहाँ पे एक विजेट ऐड करना होगा। ठीक है, तो विजेट एड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे HTML और जावा स्क्रिप्ट पे आपको क्लिक करना, और जो कॉपी किया था कंटेंट को उसको वहाँ से पेस्ट कर देना है, और इसके बाद आपको यहाँ सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको आप जहाँ रखना चाहें, अगर फुटर में दिखाना चाहते हैं तो आप इसे फुटर में ले आइए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रिसेंट पोस्ट के नीचे इसको डाल के रख दिया, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो ये मुझे रिसेंट पोस्ट के नीचे भी दिखेगा। अगर आपका फुटर में एडिट हो रहा है तो वहाँ पे आप इसे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, रिसेंट पोस्ट यानी कि इसके नीचे ही दिखना चाहिए मुझे। तो ये रिसेंट पोस्ट, पॉपुलर पोस्ट एंड रिसेंट पोस्ट, इसके नीचे मेरे आइकॉन्स देख, तो आप देख सकते हैं ये आइकॉन्स यहाँ पे दिख रहे हैं।